बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 21 मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। तो बड़े पैमाने पर मिठाई जब्त किए गए, सैंपलिंग के लिए फूड बेचा गया है रायपुर। तो रॉयल स्वीट, शारदा स्वीट के अलावा बंगाल स्वीट समेत अन्य बड़े संस्थानों पर जांच की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि सैंपलिंग के लिए फूड को अब रायपुर भेज दिया गया है और लगातार त्योहारों से पहले जो है दुकानों पर खाद्य विभाग छापेमारी कर रहा है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर खाद्य मौसम प्रशासन के द्वारा लगातार निरीक्षण एवं नमूना संकलन का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक 21 खाद्य नमूने का संकलन कर जांच के लिए भेजा है। इसका रिपोर्ट आने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और निर्देशानुसार प्रतिदिन हम लोग निरीक्षण नमूना संकलन का कार्य दिवाली तक ये चलता रहेगा, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ एवं अन्य खाद्य सामग्रियाँ मिलती रहे। और इसी बीच इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आशीष दुबे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, त्योहार से पहले बड़े पैमाने पर मिठाई जो है जब्त किए जा रहे हैं, सैंपलिंग को भेजा जा रहा है, क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, दिवाली जो है मिठाइयों का त्योहार है, लगातार जो है इस सीजन में नकली खोआ, नकली मिठाइयां और नकली जो खाद्य पदार्थ है वो बाजार में उतरते हैं। और यही कारण है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है बिलासपुर के, वो चौकन्ने हैं, सहायक आयुक्त मोहित बेहरा है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविशा मरावी है और इसके अलावा जो और कर्मचारी हैं प्रतीक के अलावा अन्य, वो निकल गए हैं सड़क पर और लगातार उन दुकानों का जायजा ले रहे हैं जहां नकली खोआ, जो गोल बाजार हमारे यहां कथित रूप से बड़ी मंडी है खोआ की, वहां जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो 20 अलग अलग बड़े प्रतिष्ठान है रॉयल, बिल्कुल आशीष, और ये कार्रवाई बेहद जरूरी भी है क्योंकि आगे त्योहार है, दीपावली है और जाहिर सी बात है कि लोग जो है मिठाइयां खरीदेंगे, तो उसके पहले ये बहुत ही जरूरी है कि अलग अलग दुकानों पर जाकर जांच बीन की जाए और देखा जाए कि जो भी मिठाइयां बन रही है वो सही है या फिर नहीं। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।